हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कुकिंग बाय रोशनी। आज हम लोग बनाने वाले हैं रागी सत्व। रागी को हम एक सुपर न्यूट्रिशियस फूड कह सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और सभी एज ग्रुप वालों के लिए एक बेस्ट फूड है। तो इसे हम घर में कैसे बना सकते हैं वो प्रोसेस हम लोग आज देखेंगे। तो ये मैंने ले लिया है रागी। तो सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। दो पानी से हम इसे वॉश करना होता है, जैसे हम बाकी के ग्रेन्स को वॉश करते हैं, जैसे गेहूं चावल को जिस तरह से हम लोग धो के साफ करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इसे भी साफ करेंगे। तो रागी के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो सभी पर्पसेस के लिए एक टॉप प्रोडक्ट हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी आप रागी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी बहुत ही बेस्ट फूड है ये आपके लिए। और बेबीज़ की अगर बात करें तो बेबीज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब हम उन्हें आफ्टर 6 मंथ फूड देना स्टार्ट करते हैं तो अगर हम रागी उन्हें देते हैं किसी भी एक टाइम उनके खाने में, तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्लस उन्हें प्रोटीन मिलता है, उनके बोन की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन भी इससे बढ़ता है। मतलब ये अकेला फूड जो है बहुत सारे पर्पसेस को हमें फुलफ़िल करके देता है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे पानी से एक बार वॉश कर लिया तो जितनी भी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस तरह से ऊपर आ गई हैं। तो किसी भी छन्नी की हेल्प से हम लोग इसे निकाल लेंगे और एक बार और हम लोग इसे वॉश कर लेंगे। तो दो बार हम लोग इसे वॉश करेंगे। तो ये देखिए, रागी को मैंने अच्छे से दो बार वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, अखरोट और बादाम। आप चाहें तो और भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट को भी मैं एक बार वॉश कर जिस तरह से मैंने रागी को ड्राई होने के लिए रखा है, सेम उसी तरह से मैं इसे भी ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने रागी को इस तरह से फैला दिया है। फैन के नीचे हम लोग इसे 1 से 2 घंटे के लिए ड्राई होने देंगे। बीच बीच में हम लोग इसे चलाते रहेंगे ताकि प्रॉपरली ड्राई हो सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एकदम ड्राई हो चुका है अच्छे से। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप है हमारा, अब हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम लोग इसमें ये रागी डाल देंगे और अच्छे से हम इसे चलाते हुए करीब 10 से 15 मिनट तक रोस्ट करेंगे। रोस्ट होने के बाद ये जो रागी है बहुत ही लाइट वेट हो जाएगी और एक अच्छी सी स्मेल भी इसमें से आने लगेगी। यही पहचान है कि हमारी जो रागी है वो एकदम तैयार है। तो ये हमारा रागी अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो ये अब जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बारीक मिक्सर में पीस लेंगे और एकदम इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो रागी सत्व है वो बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। और बहुत ही बेनिफिशियल न्यूट्रिशियस फूड है और बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारा रागी इस तरह से पीस लिया है और एक एयर टाइट कंटेनर में हम इसे भरकर 10 से 15 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चों के लिए इसे बनाना कैसे है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रख देंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। छोटी गिलास यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है और जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें रागी सत्व डाल देंगे। तो जिस भी क्वांटिटी में आपका बच्चा खा सके उस हिसाब से आप ये क्वांटिटी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा घी। तो घी डालने से क्या होगा कि इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसे सॉल्टी या स्वीट किसी भी टेस्ट में बना सकते हैं, जो भी टेस्ट आपके बच्चे को पसंद है, या फिर आप अल्टरनेट डेज इसका टेस्ट चेंज करके भी बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और घर में आप अगर इसे तैयार कर रहे हैं तो एकदम प्योर फॉर्म में आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए हम इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो ये करने में आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये गाढ़ा हो चुका है और ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है बच्चों के लिए। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बच्चे को खिला सकते हैं। तो आप भी इस सुपर न्यूट्रिशियस रेसिपी को अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अब तक ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।